मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल हेलोवीन की रात एक सौतूत नाम का शैतान जागता है और ये शैतान मक्के की खेतों से निकलकर चर्च की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर साल टाउन के जवान लड़के उस शैतान यानी सौतूत का शिकार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि आज हेलोवीन की रात होती है और हम देखते हैं कि सभी जवान लड़के हेलोवीन की रात उस दरिंदे को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उस शैतान को मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। हम देखते हैं कि सौतूत एक लड़के को जलाकर बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर लड़कों की भीड़ सौतूत के पीछे पड़ जाती है और तभी यहाँ पर एक जिम नाम का लड़का सौतूत दरिंदे को मार देता है। अब क्योंकि जिम ने सौतूत को मारा था, इसीलिए टाउन का हार्वेस्ट ग्रुप उसे बहुत सारा इनाम देता है। जिम को यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और जिम की फैमिली को एक आलीशान बंगला दिया जाता है। साथ ही जिम को यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल की एक कार दी जाती है और जिम को यहाँ से कैलिफोर्निया भेज दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर साल ऐसा होता है, जो भी उस दरिंदे शैतान को मारता है उसे बहुत सारा इनाम दिया जाता है। इसके बाद कहानी जाती है एक साल आगे। हेलोवीन आने में सिर्फ 5 दिन बाकी है। टाउन में हम जिम के छोटे भाई रिची को देखते हैं, जो कि अपने बड़े भाई जिम की तरह अपना नाम कमाना चाहता है। दरअसल रिची इस साल सौतूत का शिकार करना चाहता है। इसके बाद रिची अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर एक एडवर्ड नाम के ऑफिसर होते हैं। वो सभी लड़कों से बोल रहे होते हैं कि हेलोवीन आने वाला है, तुम्हें वो शैतान सौतूत का शिकार करना है। हालांकि इसमें तुम में से कई सारे लड़के मारे भी जाएंगे, लेकिन जो भी शिकार में जीतेगा उसे बहुत सारे प्राइजेस दिए जाएंगे। ऑफिसर सभी को बताते हैं कि हेलोवीन से 3 दिन पहले तुम्हें तुम्हारे रूम में भूखा प्यासा कैद कर दिया जाएगा और हेलोवीन की रात तुम्हें शिकार करने के लिए छोड़ा जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा रूल है कि एक फैमिली से एक इंसान शिकार कर सकता है, लेकिन रिची को इस रूल से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इस रूल को तोड़ने वाला था। यहाँ पर कुछ लड़कों का ऐसा मानना था कि सौतूत फेक है, लेकिन कुछ का ऐसा मानना था कि उन्होंने सौतूत को देखा है। इसी बीच हम देखते हैं कि रायली नाम का एक लड़का, जो कि आए दिन रिची को बुली करता है, रायली रिची से कहता है कि तुम अपने भाई जिम के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एकदम फट्टू हो। इस बात पर रिची और रायली इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। रिची एक थिएटर में आकर छिप जाता है। रिची की मुलाकात वहाँ की न्यू वर्कर से होती है, जिसका नाम कैली होता है। दरअसल कैली रिची को लाइक करती है। ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बाहर आने के बाद रिची अपने 2 दोस्तों से मिलता है, जिनका नाम मिच और बर्ड होता है। रिची के दोस्त उसे कैली से दूर रहने को बोलते हैं और उसे बताते हैं कि कैली के बारे में एक र्यूमर है कि उसने एक बुढ़े आदमी का खेत जला दिया था। इसके बाद रिची का दोस्त बर्ड वहाँ से चला जाता है। रिची का दोस्त मिच उससे कहता है कि तुम अपने भाई जिम से बहुत बेहतर हो, हम दोनों मिलकर इस साल सौतूत का शिकार करेंगे और जो भी प्राइज मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसके बाद हम रिची को देखते हैं, जो कि अपने घर पर मॉम डैड के साथ होता है। रिची अपने मॉम डैड से बोलता है कि मुझे भी सौतूत का शिकार करना है, लेकिन उसके डैड उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, तुम्हें दूसरों को मौका देना चाहिए। लेकिन रिची अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं मानता, वो इस बात पर अड़ जाता है कि वो शिकार करके ही रहेगा। इसके बाद जब रिची बाहर आता है तो उसे अपने भाई की गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसका नाम एनी है। एनी आज भी जिम के आने का वेट कर रही है। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में हमें एक फार्मर को दिखाया जाता है, जो कि मक्के के खेतों में स्केयर क्रो लगा रहा होता है और यही स्केयर क्रो हेलोवीन की रात जाकर शैतान सौतूत बनेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब रिची अपने स्कूल जा रहा होता है, तभी पीछे से रायली आकर रिची को बहुत बुरी तरह मारता है और रायली रिची से वो बेल्ट छीन लेता है जो बेल्ट उसके भाई जिम ने उसे दी थी। इस सब के बाद जब रिची अपने घर पर वापस पहुंचता है तो रिची को अपने भाई जिम का एक लेटर मिलता है। जिम ने लिखा होता है कि वो बहुत जल्द ही घर पर लौटेगा। साथ ही जिम ने ये भी लिखा होता है कि रिची शिकार बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उसे अभी मॉम डैड को संभालना है। लेकिन रिची नाराज होकर एक कार चुराकर टाउन से भागने लगता है, लेकिन वो यहाँ से निकल पाता। रास्ते में ऑफिसर एडवर्ड उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलोवीन से 3 दिन पहले टाउन के सभी जवान लड़कों को उनके रूम में उन्हें लॉक कर दिया जाता है। उन्हें 3 दिन तक भूखा रखा जाता है, जिससे वो अपना आपा पूरी तरह से खो देते हैं। और इसके बाद आती है हेलोवीन की रात, जब उन्हें शिकार के लिए आजाद कर दिया जाता है। वहीं हम मक्के की खेतों में सौतूत को देखते हैं, जो कि जिंदा हो चुका है। वहीं रिची को भी 3 दिन बाद होश आता है, जहां उसके सामने उसके डैड होते हैं। उसके डैड उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जॉब सेट करा दी है। उसे वो बहुत समझाते हैं कि वो शिकार ना करे, लेकिन रिची अपने पेरेंट्स की एक नहीं सुनता। वो वहां से शिकार करने के लिए निकल जाता है और रिची अपने दोस्तों के साथ एक कार में बैठकर सौतूत का शिकार करने के लिए मक्के के खेतों की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। और जब ये रास्ते में होते हैं तो इनकी गाड़ी से अचानक से सौतूत टकरा जाता है। इन्हें लग रहा था कि सौतूत मारा गया। ये अपनी गाड़ी से बाहर उसे चेक करने के लिए आते हैं और तभी ये सामने मक्के की खेतों में सौतूत को खड़ा देखते हैं। ये चारों के चारों उसे मारने के लिए जाने लगते हैं और तभी सौतूत रिची के दोस्त चार्ली और मिच को बीच में से चीर कर बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर बर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है, वो वहां से भाग जाता है। रिची यहां पर अकेला बच जाता है और तभी रिची अपने पीछे सौतूत को देखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी रास्ते में रिची को कैली मिलती है, जो कि सौतूत का शिकार करने के लिए आई थी, और अब ये तय करते हैं कि दोनों मिलकर सौतूत का शिकार करेंगे। वहीं हम रिची के दोस्त बर्ड को देखते हैं, जो कि डर कर भाग गया था। वो टाउन में
आ जाता है जहाँ पर उसे एक बंकर नजर आता है। उस बंकर में और भी लड़के छिपे हुए होते हैं। बर्ड भी वहाँ पर छिपना चाहता है। वो लड़के बर्ड से कुछ पैसे मांगते हैं लेकिन बर्ड के पास पैसे नहीं होते। वो सभी लड़के बर्ड को अंदर आने नहीं देते और तभी हम देखते कि वहाँ पर सौतूत पहुँच जाता है और सौतूत बर्ड को बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद सौतूत उस बंकर में चला जाता है और उन सभी लड़कों को बहुत बुरी तरह मार देता है जो कि बंकर में छिपे हुए थे। दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं जो कि कैली को लेकर ऑफिसर एडवर्ड के घर पर आ जाता है। रिची वहाँ से एक गन चुरा लेता है ताकि वो सौतूत को मार सके और तभी रिची ऑफिसर एडवर्ड के घर पर अपने डैड को आता देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद रिची ऑफिसर एडवर्ड की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब ये रास्ते में होते हैं तभी कार के रेडियो में एक मैसेज आता है जिस मैसेज में सौतूत की लोकेशन बताई जा रही थी और ये मैसेज ऑफिसर एडवर्ड ने ही भिजवाया था। रिची कैली को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर रिची को सौतूत मिल जाता है और इससे पहले कि रिची सौतूत को गोली मारता रिची सौतूत की बेल्ट देखकर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि सौतूत रिची और कैली को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। रिची को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी वहां पर ऑफिसर एडवर्ड आ जाते हैं जो कि रिची को पकड़ लेते हैं। रिची किसी तरह ऑफिसर एडवर्ड से बचकर वहां से भाग जाता है और कैली को लेकर वापस अपने घर में आ जाता है जहां रिची की मॉम पूरी तरह से नशे में होती है। रिची अपनी मॉम से पूछता है कि वो लोग कहां पर हैं जो लोग जिम से पहले विनर बने थे। रिची की मॉम उसे बताती है कि वो लोग बाहर हैं और दुनिया घूम रहे हैं लेकिन रिची समझ जाता है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। साथ ही रिची को ये भी पता चल जाता है कि उसके मॉम ने ही जिम के नाम के लेटर्स लिखे थे। रिची अपनी मॉम से पूछता है कि जिम कहां पर है और तभी रिची की मॉम अपनी जान ले लेती है और यहां पर पता चलता है कि सौतूत कोई और नहीं बल्कि जिम है। दरअसल जो भी विनर बनता था उसे ही मारकर सौतूत बना दिया जाता था। रिची ने जब सौतूत की बेल्ट देखी तो वो समझ गया कि सौतूत कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिम है। इसीलिए सौतूत उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया था। रिची के मॉम डैड उसे इसीलिए शिकार करने से मना कर रहे थे क्योंकि वो पहले ही अपना बेटा जिम खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर एडवर्ड जो कि हार्वेस्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है वो रिची के डैड से बोलता है कि तुम्हें सौतूत का शिकार करना होगा। रिची के डैड ऑफिसर एडवर्ड से बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। ऑफिसर उनसे कहता है कि अगर वो शैतान नहीं मरा तो पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। वहीं रिची और कैली चर्च में पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर रिची के डैड भी आ जाते हैं और यहां पर रिची के डैड रिची को बता देते हैं कि सौतूत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई जिम है। साथ ही वो हार्वेस्ट ग्रुप की पूरी सच्चाई भी बता देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर चर्च के पास सौतूत यानी जिम आ जाता है। रिची जिम से बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और इसके बाद रिची जिम को पकड़कर चर्च के अंदर ले जाने लगता है। तभी इसी दौरान वहां पर बहुत सारे लड़के सौतूत का शिकार करने के लिए आ जाते हैं और उनमें से रायली सौतूत को गोली मार देता है जिससे सौतूत यानी जिम पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। जिम रिची को इशारा करते हुए बोलता है कि वो उसे मार कर मुक्त कर दे और रिची ना चाहते हुए अपने भाई जिम यानी सौतूत को मार देता है और इस साल का विनर बन जाता है। लेकिन रिची यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। रिची को यहाँ पर बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और साथ ही रिची को जो कार दी जाती है रिची उस कार से कैली के साथ इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि रिची टाउन से निकलता है ऑफिसर एडवर्ड उसका रास्ता रोक लेता है और उसे पकड़कर मक्के की खेतों में ले जाने लगता है। इससे पहले कि ऑफिसर एडवर्ड रिची को जान से मारता रिची ऑफिसर एडवर्ड को गोली मार देता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो फार्मर आकर रिची को जिंदा ही दफना देता है। वहीं हम देखते हैं कि रिची के डैड जो कि रिची को नहीं बचा सके वो कैली से कहते हैं कि तुम इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। इसके बाद कहानी जाती है एक साल आगे हैलोवीन के दिन। हम देखते हैं कि वो फार्मर रिची की बॉडी को निकाल कर सौतूत बनाने के लिए लटका देता है। तभी इसी दौरान वहां पर रिची के डैड आकर उस फार्मर को जान से मार देते हैं और जैसे ही रिची सौतूत बनता है तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि जाओ और पूरे टाउन को जलाकर तबाह कर दो। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है डार्क हार्वेस्ट ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।